आज का हमारा टॉपिक है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। तो देखिए, हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम क्या होता है और क्या इसके द्वारा किया जाता है। हुंड के अधिकतम बहुलता नियम के अनुसार भी इलेक्ट्रॉनों का विन्यास किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाता है। लेकिन इस नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाएगा वो परमाणवीय कक्षकों में होगा। इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस में होगा? परमाणु के कक्षकों में। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, एक तो आफबाउ नियम होता है। आफबाउ नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है वो उपकोषों में होता है, जबकि एक नियम होता है तुम्हारा बोर बरी नियम। बोर बरी नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है वो कक्षाओं में होता है, यानी कोषों में होता है। जबकि हुंड के अधिकतम बहुलता नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है वो परमाणवीय कक्षकों में होता है। चलिए यहाँ पर इसके डेफिनेशन लिखी है क्या होता है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। बड़ी सिंपल सी बात है, आप इसे आसानी से समझ जाओगे। तो देखिए, इस नियम के अनुसार परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी संभव होता है। युग्मन का मतलब हो गया यहाँ पर जोड़ा, यानी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा तभी बनता है, तभी संभव होता है जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक-एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। अर्थात इसका मतलब ये हो गया, जब प्रत्येक कक्षक में एक-एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तब हम क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉनों का युग्मन शुरू कर सकते हैं। अर्थात हम ये कहेंगे कि अब देखिए, एस कक्षक हो गया, एस कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। एस कक्षक हो गया ना, ये एस कक्षक हो गया, ठीक है, एक ही कक्षक हो गया। एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब अगर हमें इसमें जोड़ा भरना है, अब पहले तो हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, अब जैसे ही इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो अब इसका युग्मन हो सकता है। युग्मन मतलब अब हम इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन वो विपरीत चक्रण में भरा जाएगा। इसी तरह से मान लो पी कक्षक हो गया, तो पी कक्षक जो होते हैं वे तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं पी कक्षक के, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इनमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो पहले क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि ये एक कक्षक हो गया, इसके इसी कक्षक में हम युग्मन जोड़ा बना दे। अगर मान लो हमने इसी में इलेक्ट्रॉन भर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी संभव होता है जब तक कि प्रत्येक कक्षक में, प्रत्येक मतलब ये पहला कक्षक, दूसरा कक्षक और तीसरा कक्षक, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। मतलब पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है हमें। क्या करना है? तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना। अब इनका युग्मन शुरू हो सकता है। युग्मन मतलब अब जोड़ा बना सकता है इलेक्ट्रॉनों का, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षक में भरा जा सकता है, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे अब मान लो अब इलेक्ट्रॉन भरना है हमें, तो ए अब यहां पर इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने चौथा, तो हम ये कहेंगे कि जो पी उपकोष होती है, पी उपकोष में चौथे इलेक्ट्रॉन से युग्मन शुरू होगा, क्योंकि तीन तो भर दिया हमने, एक-एक चौथे से कहा क्या हो गया, युग्मन शुरू हो गया, चौथा पांचवा छठा और छठे पे जाकर समाप्त हो जाएगा। जबकि एस उपकोष में दूसरे इलेक्ट्रॉन से युग्मन शुरू हो जाता है। और इस तरह से डी उपकोष की बात करेंगे तो डी उपकोष में जो युग्मन शुरू होता है वो कब कहां से शुरू होता है, वो छठे इलेक्ट्रॉन से शुरू हो जाता है। चलिए हम इसका एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मान लीजिए हमें ऑक्सीजन ओ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। ऑक्सीजन ओ, परमाणु क्रमांक कितना हो गया इसका? आठ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले इसका एसपीडीएफ के रूप में करेंगे, आफबाउ नियम के अनुसार, 1s2, 2s2, 2p4। अब देखिए 1s हो गया, ये 1s उपकोष होगी। 1s उपकोष में हुंड के नियम के अनुसार कर रहे हैं हम, यानी कक्षकों में वितरण करना हमें। s उपकोष में एक कक्षक होता है, तो यहां पर एक कक्षक बना, इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? दो। तो दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले एक भरेंगे, अब इसका युग्मन कर सकते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आ गया कक्षक में, तो अब इसका युग्मन कर सकते हैं। इसी तरह से ये तो हो गया 1s2, इसी तरह से 2s, 2s उपकोष, s उपकोष है ना, s उपकोष में कक्षक एक ही होता है, तो हमने यहां एक कक्षक बनाया, कितने इलेक्ट्रॉन? दो। तो दो इलेक्ट्रॉनों में पहले क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, मतलब अब इस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। क्या अब इसका युग्मन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है हुंड के नियम के अनुसार, क्योंकि कहा है हुंड के नियम में कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब संभव होता है जब प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है। तो अब इसमें इस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब इसका युग्मन हो सकता है, तो यहां पर हम दूसरे इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब पी कक्षक हो गया, टू पी फोर हो गया ना यहां पर, तो अब देखिए इस पी कक्षक में
पीयूष कोष में कितने कक्षक होते हैं? तीन। तो तीन कक्षक बना दिया हमने। अभी चार इलेक्ट्रॉन भरने हैं, चार इलेक्ट्रॉन कैसे भरे? अब मैंने बताया है कि पीयूष कोष के यानी प्रत्येक कक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, युग्मन तभी शुरू होगा। अब प्रत्येक कक्षक में पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, दूसरे कक्षक में भी इलेक्ट्रॉन भर दिया एक, तीसरे में भी एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। इस तरह से इसमें चार इलेक्ट्रॉन है लेकिन, ठीक है ना? तो अब देखिए तीन इलेक्ट्रॉन भर दिए और तीनों में प्रत्येक में क्या क्या आ गया? एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा गया, मतलब आधे आधे ये भरे गए। अब हम इसका युग्मन शुरू कर सकते हैं, मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन और रह गया क्योंकि पी फोर है, तीन ही तो इलेक्ट्रॉन भरे हमने, तो चौथा इलेक्ट्रॉन फिर भर देंगे हम, शुरू से लेंगे, शुरू से फिर युग्मन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? तो इस तरह से हम हुंड के नियम के अनुसार ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट लेंगे, मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है Ne का, परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका 10। SPDF के रूप में पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो ये होगा 1s2, 2s2 और आगे आ गया 2p6। 1s2, 2s2, 2p6 हो गया। अब देखिए यहां पर 1s उपकोष हो गया, 1s का तो बिल्कुल इसी तरह से, 2s2 का बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। अब यहां पर 2p6 है, लास्ट वाले का करके मैं दिखा दूं। 2p6 में p उपकोष हो गया, p उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? तीन कक्षक होते हैं, तो तीन कक्षक हम यहां पर बनाएंगे, एक दो और तीन, ये तीन कक्षक बन गए। अब ये छह इलेक्ट्रॉन भरने हैं, छह इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? पहले प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, पहले प्रत्येक कक्षक में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अब ऐसा नहीं करना कि हमने एक इलेक्ट्रॉन भर के दूसरा भी एक ही भर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है? अगर मान लो आप इसे इस तरह से भरने लगे छह इलेक्ट्रॉनों को, मान लिया एक इलेक्ट्रॉन भर दिया फिर दूसरा एक ही भर दिया, तो ये जो मेथड होगा भरने का वो गलत हो जाएगा। क्लियर हो ना बात? तरीका क्या होगा, पहले प्रत्येक कक्षक में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, सारों कक्षक, अभी हमने तीनों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक है? अब इसका युग्मन शुरू हो जाएगा, यानी युग्मन प्रारंभ कर सकते हैं। अब युग्मन कहां से होगा, फिर शुरू से युग्मन इसका शुरू हो जाएगा। अब छह इलेक्ट्रॉन है, तीन तो हमने भर दिए, चौथे से युग्मन शुरू हो गया, चार पांच और छह, तो इस तरह से छह के छह इलेक्ट्रॉन भरेंगे। क्लियर होगी बात? तो हम इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हुंड के अधिकतम बहुलता नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का वितरण कर सकते हैं परमाणु कक्षकों में। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास D9 है, मतलब D कोष है और उसमें क्या है, 9 इलेक्ट्रॉन तुम्हें फिल करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब आप जानते हो डी जो होता है ना, डी कक्षक, वे कितने होते हैं, पांच होते हैं, ये तो पांच कक्षक बना देंगे डी के, एक दो तीन चार पांच, ये पांच कक्षक बन गए, एक दो तीन चार पांच हो गए। अब हमें क्या करना है, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी संभव होता है जबकि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा तभी भरा जाएगा जब हम प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन हम इनमें पांचों कक्षक में भर रहे हैं क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन फिल करना है हमें, ये ले। तो हमने इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, अब युग्मन इसका शुरू हो जाएगा, ठीक है? अब प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो अब युग्मन शुरू करेंगे हम इसका। तो देखिए 5 इलेक्ट्रॉन तो हमने भर दिए, छठे इलेक्ट्रॉन से इसका युग्मन शुरू हो जाएगा, 6 7 8 9, बस 9 ही इलेक्ट्रॉन थे इसमें, तो 9 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हम फिल कर सकते हैं। दसवां होगा तो दसवां भी हम इस तरह से आगे फिल कर देंगे, 10 से ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। तो बस आज की वीडियो में आपको यही समझाना था हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाया जाएगा और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप इसे ध्यान से कीजिएगा जरूर।